सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की मैं व्लॉग के स्टार्टिंग कर रही हूँ इवनिंग से, क्योंकि मैं जस्ट अभी आई हूँ जॉब से। फ्रेश होके मैं डायरेक्ट किचन में आई हूँ, क्योंकि आज है गुरुवार और मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। मतलब स्पेशल नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब जब ऑफ मतलब उपवास रहता है तो अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। इसलिए तो मेरा आज फास्ट था, तो मैं जस्ट आई थी तो मुझे थोड़ी भूख लग गई थी, तो मैंने चिप्स तली थी। तो विहान बोला मासी मुझे फिंगर चाहिए, तो उसके लिए मैंने फिंगर तल के दिया था। तो और मैं अभी चाय इसलिए रेडी कर रही थी रात में, क्योंकि मेरा सर बहुत हेडेक हो रहा था, तो मैंने चाय बनाया था। तो चाय अभी मैं सबको सर्व कर दूंगी, क्योंकि मैंने अकेले के लिए नहीं बनाया था, मैंने सिस्टर लोग के लिए बनाया था और पापा के लिए बनाया था। तो जस्ट उनको मैं अभी चाय देने जा रही हूँ, फिर मैं लगती हूँ खाने की तैयारी के लिए। तो वैसे मम्मी का आज सेकेंड डोज हुआ है वैक्सीन का, तो सोचा कि मम्मी को रेस्ट मिल जाएगा और मेरी जो इच्छा है खाने की वो भी बन जाएगी। तो बस ऑफिस से आने के बाद मैं फ्रेश हो गई और अब तैयारी कर रही हूँ खाने की। तो बनाना है आज, मम्मी बोली कि फन्नस की सब्ज़ी बनाने वाली थी, तो सोचा मैं ही बना देती हूँ। तो मैं बना रही हूँ अभी फन्नस की सब्ज़ी, और ये मैं डिफरेंट स्टाइल से बना रही हूँ। पता नहीं कितने लोग इस तरीके से बनाते हैं, बट मैं ऐसे इस तरीके से बना रही हूँ, मैरिनेट करते जैसे नॉनवेज बनाते हैं ना, सेम उसी तरीके का बना रही हूँ। वैसे ये वेज वालों के लिए भी नॉनवेज ही होता है, तो मैं ऐसे एकदम नॉनवेज स्टाइल में बना रही हूँ। तो इसे मैंने मैरिनेट किया है, और मैं अभी जितने भी मतलब जो भी खाना बनाने वाली हूँ ना, वो जस्ट नॉर्मली मैं शूट कर रही हूँ, इसका स्पेशल कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ। जो आप व्लॉग में देखोगे जस्ट वही रहेगा। तो मैं अभी सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, उसे मैरिनेट करके मैंने फ्रीजर में रखा हुआ है। फ्रीजर में रखने से जितने भी जो अपने मसालों का फ्लेवर होता है ना, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। तो अभी उसको फ्रीजर में रखा है और मैं अभी तैयारी कर रही हूँ वेज पुलाव की और सब्जी की। तो मेरी इच्छा थी, मतलब मैं सोच के आ रही थी गाड़ी चलाते चलाते कि मेरे को आज ना पुलाव कड़ी खाना है करके। तो फिर मैं सोची मैं ही बना लेती हूँ। मम्मी ने मुझे फन्नस बनाने के लिए बोला था, बट मैंने बोला मम्मी पुलाव कड़ी भी बनाती हूँ, तो मम्मी बोला ठीक है करके। तो बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी, सारे मसाले निकाल रही थी मैं उसमें, और आपने देखा कि मैं प्याज वो पावसी बोलते हैं उससे मैं काट रही थी, क्योंकि मुझे ना वो चाकू से काटते नहीं बनता है, तो मैं वो पावसी से काट रही थी। तो चलिए मेरा ये वेज पुलाव के लिए रेडी हो चुका है, और अब मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। तो सब्जी का बस नॉर्मली ये होता है कि मैं सोच रही थी कि जितने जल्दी बन जाए उतना अच्छा है, क्योंकि मुझे खाना बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा मेरे घर वाले बोलते हैं मुझे कि मैं जब खाना बनाती हूँ ना, तो जैसे मुझे 1 घंटे के बाद अगर खाना सर्व करना है तो मुझे 2 घंटे पहले खाना बनाना चाहिए, ऐसा मुझे बोलते, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है खाना बनाने के लिए इसीलिए। तो फिर अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सब्जी बनाना, और मैं ना बहुत जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही थी, तो कि ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि फिर रात हो जाती थी इसीलिए, और मैं ऑफिस से लेट आई थी तो फिर फटाफट बनाना था खाना इसीलिए। तो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ खाना बनाना, और ये मैंने बघार दिया था सब्जी एक साइड में, अब दूसरे साइड में मैं बना रही हूँ वेज पुलाव की तैयारी कर रही हूँ, उसे तड़का दे रही हूँ। तो जो मैं बस आजू बाजू मैं ऐसा कोई अंदाजे से नहीं कर रही थी, बस मेरा ऐसा है कि बस बनाना है डालना है ऐसा वाला है। जब कोई स्पेशल कुछ चीज़ होती है तो मैं उसे मेजरमेंट के हिसाब से बनाती हूँ, बट ये तो नॉर्मली हाथ बैठ जाता है ना, जैसे बोलते अपनी आदत हो जाती है तो अपने अंदाज पता चलता है, तो अपन उस तरीके से डाल देते हैं। तो सेम मैं वही कर रही थी, और फटाफट मैं सिर्फ बनाने का काम कर रही थी। तो अभी मैं सारे मसाले मेरे पक चुके थे, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ सब्जी में जो मसाले होते हैं वो। शायद मम्मी मुझे कुछ बोल रही थी, तो मैं मम्मी से बात कर रही थी, और मैं खाना बनाते समय गाने सुनते रहती हूँ, तो फिर बस वही चलते रहता है मेरा। सब लोग बैठे हुए थे, मैं खाना बना रही थी फटाफट फटाफट, ऐसा लग रहा था कि मेरा एक टास्क है जिसे कंप्लीट करना है एक के बाद एक, तो मैं जस्ट वही कर रही थी। और फ्रेंड्स, आप लोग को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना, और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मेरी आने वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। सो देखा मैं कैसे एक्टिंग कर करके खाना बनाती हूँ, मैं अपने अंदाज से मतलब अपने में ही होके मैं काम करते रहती हूँ। और मेरे को ऐसा है कि मैं जब कुछ भी चीज़ करते रहती हूँ ना, तो गाना सुनती हूँ, मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है, चाहे जैसा भी हो। कभी कभी मैं रेडियो लगा देती हूँ, कभी कभी मैं अपने फेवरेट सॉन्ग लगा देती हूँ, या फिर कभी नॉर्मली चल रहा है गाना तो बस वैसे ही। तो मैं अभी ऐसे ही जस्ट गाने लगा के
खाना बना रही थी। और फ्रेंड्स मुझे ये भी बोलना था कि एक्चुअली मेरी जो वीडियोस है ना अभी काफ़ी लेट आते जा रही है। पहले ऐसा था कि मतलब मेरा मुझे टाइम मिल जाता था, बट अभी ऐसा है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं गाना मतलब वो वाला रेडियो बंद कर दिया था और भगवान जी का गाना लगाया था, मतलब साईं का गाना लगाया था। तो वही मतलब आपको मैं बता रही थी। एक्चुअली ऐसा होता है कि मैं जब भी आती हूँ तो मतलब या मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। जब भी मुझे कोई टेंशन होती है या कुछ होता है या मेरे दिमाग में कुछ चलते रहते तो मैं यही गाना सुनती हूँ। और मतलब एकदम क्या बोलते हैं, माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो मैं यही गाना सुनती हूँ। कभी भी जैसे मैं उदास रहती हूँ या कुछ भी होता है ना, तो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, तो मैं ये गाना लगा के सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मतलब बहुत फ्रेश लगता है। तो अभी मैं खाना बना रही थी तो मैंने वो गाना लगा दिया क्योंकि गुरुवार था और मैंने सुबह से सुना नहीं था, तो मैंने सोचा अभी लगा देती हूँ, मेरा खाना भी बन जाएगा, गाना सुन के भी हो जाएगा। वैसे भी गाना सुन रही थी तो ये वाला, तो सब इनकी कृपा से ही हमारे घर का काम होता है और मतलब सब इनकी कृपा है जो हम पे बनी हुई है और सब चल रही है। तो साई भगवान को हम लोग मानते हैं और मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मतलब बोल नहीं सकते या बता नहीं सकते ऐसा है, तो वो बस है ऐसा बोलते हैं। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन बोलते हैं ना अपने साथ कोई है तो वो ये है, तो हमारे साथ भी यही है। तो बस यही था। और हाँ, मैं ये बोल रही थी कि मेरी वीडियोस ना बहुत लेट लेट अपलोड हो रही है, तो वो इसलिए कि मुझे ना पहले के ऐसे लॉकडाउन के समय हमारा टाइम थोड़ा चेंज हो गया था, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता था मैं वैसे वैसे आप लोग के साथ वीडियो शेयर करती थी। बट ऐसा हो चुका है कि हम लोग रिटेल वाले हैं, मतलब मैं रिटेल से हूँ तो रिटेल में जॉब करती हूँ, तो कैसे टाइमिंग बहुत डिफरेंट होता है रिटेल वालों का, सबसे डिफरेंट होता है। तो उसमें ना कोई खुद के लिए टाइम मिलता है, ना किसी और के लिए मिलता है, ना फैमिली वालों के लिए मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो रिटेल वाले होते हैं वो रिटेल में ही अपनी 101% वहीं दे देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो खैर वो तो अलग है। तो मैं यही जस्ट बोल रही थी कि मतलब एक्चुअली टाइम होता है सुबह मॉर्निंग में जाना पड़ता है और इवनिंग मतलब नाइट में 8 बजे छुट्टी होती है, तो कैसे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो शूट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए। और जब ऑफिस से आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो पहले कैसे मैं रेगुलर वीडियो डालती थी, एक भी दिन मेरा गैप नहीं जाता था, बट अब ऐसा हो रहा है कि एक दो दिन भी नहीं, एक एक हफ्ते की गैप हो रही है। तो पता नहीं, जो बोलते हैं ना एक जो बॉन्डिंग बनी होती है वो कहीं ना कहीं ब्रेक होते जा रही है, तो मुझे वो बॉन्डिंग अपनी ब्रेक नहीं करना है आप लोग के साथ में। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने वीडियो इन्हें जल्द से जल्द अपलोड करते जाऊँ और इतना टाइम नहीं लगाऊँ और मतलब कंटिन्यू में अपनी वीडियोस रखूँ, तो मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगी। प्लस ये था कि मेरा जो मोबाइल है वो तो काम देता नहीं है मुझे, तो मैं मम्मी के मोबाइल से अपनी सारी वीडियोस शूट कर रही हूँ, सब कुछ। मतलब स्टार्टिंग जो मैंने यूट्यूब की है वो अपनी मम्मी के मोबाइल से की है, जो अभी तक का वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ मम्मी के मोबाइल से कर रही हूँ, तो बस मम्मी का मोबाइल मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ चुकी थी, पता नहीं क्या हो गया था, तो वो ना जितनी भी वीडियोस मैं जो बना के रख रही थी और जब मैं एडिटिंग करके रखती थी और जब मैं वॉइस ओवर करती थी ना, तो वो वीडियो ना अटक जाती थी कहीं ना कहीं, पता नहीं वो करप्ट हो रही थी या क्या हो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बस वो ना अटकते जा रही थी, तो मैं बहुत टेंशन में आ जाती थी। बट जैसे तैसे मैंने पूरा अपना मेमोरी क्लीन किया, मतलब मम्मी का मोबाइल पूरा क्लीन किया हुआ है और अभी जितनी वीडियो थी जो मैंने मतलब क्या बोलते हैं शूट करके रखा हुआ था कुछ कुछ वीडियोज़, तो वो मेरी मिस हो चुकी है। मतलब मुझे उसे अनफॉर्चुनेटली डिलीट मारना पड़ा, मतलब ना चाहते हुए भी उसे मुझे डिलीट मारना पड़ा क्योंकि वो मुझे कुछ काम ही नहीं आई और जितना मैंने अपलोड मतलब वीडियो शूट किया हुआ था वो सब मेरा बेकार चला गया। तो अभी मैं ये करती हूँ कि मतलब जैसे जैसे मेरी वीडियोस बनती है उसे मैं एडिटिंग करके रखती हूँ और अभी मतलब वॉइस ओवर करके अपलोड करती हूँ। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम से भी वही करूँगी कि जैसे मैंने एक वीडियो अपनी कंप्लीट किया तो उसे मैं फट से अपलोड कर दूँ, ताकि मैं दूसरे वीडियोज़ को मतलब क्या बोलते हैं ना कि यानी इकट्ठा ना करूँ एक साथ, क्योंकि मुझे मेरा मोबाइल बहुत प्रॉब्लम दे रहा था इसीलिए। तो बस यही था। अब मैं आप लोग से इतनी सारी बातें करते जा रही हूँ ना, तो बस यही था। तो प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और मेरी मुझे समझ लेना कि मैं किस तरीके से अपने वीडियोस को आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ और किस तरीके से मैं आप लोग के साथ में कनेक्ट होते जा रही हूँ। तो बस यही सब कुछ था। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ आप लोग से बात करने के लिए। तो अब चल रही है, पक रहा है, तो चलिए आपसे बात करते हैं।
अभी मैं कह रही हूँ, मतलब अभी हो रहा है, थोड़ा मैं गैस पे रखी हूँ अभी वेज पुलाव जो अभी हमने फ्राई किया वो, तो अभी वो पक रहा है। और साइड में मैंने बना रही थी वो फन्नस, जिसे बोलते हैं फन्नस या फिर आप लोग कटहल, दो टाइप, दो नाम है इसके, फन्नस और कटहल। तो हम लोग कटहल बोलते हैं उसको, क्योंकि हम लोग हिंदी साइडर है, इसीलिए पता नहीं क्या बोला जाता है। तो मुझे कटहल पता है, इतना मुझे पता है, और वो मेरी बहुत फेवरेट सब्जी है। तो आज मैंने उसे बहुत डिफरेंट स्टाइल से बनाया है। तो मैं आप लोग को, मतलब नॉर्मली वीडियो, ये ब्लॉग बन रहा है तो फिर मैंने नॉर्मली इसे शूट किया था, स्पेशली रेसिपी के हिसाब से इसे शूट नहीं किया हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम मैं फिर कभी अगर बनाऊँ तो फिर उसकी रेसिपी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्या बोलते हैं, उसके वीडियो के साथ में। तो अभी स्पेशल उसका वीडियो नहीं आएगा, जो ब्लॉग में दिखेगा बस वही रहेगा। बस यही चल रहा था। तो अभी मैं सोच रही थी कि मतलब अभी वो थोड़ा पक रहा है, तब तक आज वैसे गुरुवार है तो मैं कुछ स्पेशल बनाने की सोच रही थी। आज मेरा फास्ट है, तो जस्ट मैं आई थी ऑफिस से और फिर सोचा मम्मी मम्मी और डैडी ने सेकेंड डोज लगा के आए हैं वैक्सीन का, तो मैंने सोचा आज मम्मी रेस्ट कर रही है, तो मम्मी को रेस्ट करने दिया हुआ है। तो मैंने बोला आज मैं कुक करती हूँ, डिनर मैं रेडी करती हूँ। जस्ट वही था, मैं ऐसा सोच के कुछ नहीं आई थी, तो बस ऐसा सोचा कि बना लेती हूँ करके, तो फिर बस वही प्लान कर रही थी। तो फिर मैंने बनाया, बस ऐसे ही सोचा, पहले मम्मी बोली कि कटहल की सब्जी बना दो, तो मुझे पुलाव कढ़ी खाने की इच्छा हो रही थी, तो मैंने बोला मम्मी ये भी बना लेती हूँ, तो बोले ठीक है करके। तो फिर अभी मैं बना रही थी, अब दो डिश तो आपने देख लिया, दो अभी आप नेक्स्ट देखिएगा कि मैं और क्या बना रही हूँ अभी। तो फिर लास्ट में आपको पूरी थाली प्रेजेंट करके दिखाऊंगी कि मैंने क्या बनाया है। तो अभी सोच रही थी कि उतना टाइम है तब तक मैं अपना देख लेती हूँ यूट्यूब का थोड़ा सा कि क्या करते हैं, तो अभी मैं कनेक्ट करती हूँ। तो चलो चलते हैं, तब तक थोड़ा काम हो जाएगा, एक के बाद एक काम, क्योंकि एक्चुअली यही होता है मेरे साथ, पता है क्या, मैं जो अब जॉब से आती हूँ तो ये करूँ वो करूँ वो करूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। पर फिर भी मैं सबका टाइम सेट करके रखती हूँ कि इतने समय तक ये करूँगी, इतने समय तक ये करूँगी, तो टाइम के हिसाब से ही मैं अपना काम करती हूँ, तो वह सेट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं पूरी खिचड़ी पका दूँगी तो ना एक काम होगा ना दूसरा काम होगा, तो ऐसा हो जाता है। और ये बात हाईलाइट हो रहा है, ये मेरा मिकी बेल्ट है जो मेरा फेवरेट है, और ये देखिए पता नहीं क्या हो गया है, और पता नहीं कौन सा बेंड आ गया है से, या लगता है कि मैंने इस बार, पता है आम बहुत खाया, बहुत 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 ज़्यादा आम खाया है, पूरा सीज़न मैंने आम खाया हुआ है और बहुत फेवरेट है मेरा। एक्चुअली पापा जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आम का पेड़ है, तो वो डेली आम लेकर आते थे डेली, क्योंकि हवा तूफान जब चलती थी तो वो आम गिरते थे, तो वो लेकर आते थे, और इतने नेचुरल, मतलब इतने मीठे आम थे कि क्या, जब पता नहीं है ना मुँह में पानी आ गया अभी भी। तो अभी भी पापा लेकर आते, एक दो जैसी हवा वगैरह आती है तो गिरते हैं, तो फिर वो लेकर आते हैं। तो इस सीज़न में हम लोग ने परचेस करके, मतलब खरीद के तो नहीं खाया है, फ्री के आम बहुत खाए हमने, बहुत ज़्यादा। सोच रही थी थोड़ा काम बचा हुआ है वो कर लेती हूँ, बट मेरा लैपटॉप भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, सच में ना बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कभी कभी। अब मैं कनेक्ट कर रही थी तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं नेटवर्क ही नहीं ले रहा है। मैं ऐसे ही होता है मेरे साथ में, मैं सोचती हूँ कुछ करने का, होता कुछ नहीं, दिमाग की गई होगी अच्छी कनेक्ट नहीं हो रहा है। मैं सोच रही थी एक्चुअली मोबाइल मेरा उतना काम नहीं कर रहा है, तो मैं सोची कि मतलब कनेक्ट करके कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, देख लेती हूँ क्या है, तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमेशा मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसा हो जाता है ना कि मतलब थोड़ा टाइम मिला है तो ये नहीं ये कर लेते या वो नहीं वो कर लेते हैं, और हमेशा मैं जैसे कुछ सोचती हूँ कि नहीं मेरा इतना का टाइम बचा हुआ था मैं इसके अगेंस्ट में ये कर लेती हूँ, बट वो हो ही नहीं पाता है, कभी नहीं होता है, और ना फिर मूड और ऑफ हो जाता है, बट कोई नहीं देखते अभी। तो मैं अभी कर देती हूँ बंद। शट डाउन कर दिया, क्या कर सकते हैं, जो ही नहीं हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, बंद कर दिया, मैंने काम ही नहीं हो पाया मेरा। ये देखते हैं, अभी देखते हैं पुलाव पक चुका है क्या। ओह माय गॉड, देखिए दिख रहा है एकदम टेस्टी, एकदम मस्त लग रहा है दिखने में भी, अब पता नहीं, खाने का टेस्ट तो खाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए डाल देते हैं इसमें सांभर, एकदम परफेक्ट पक चुका है ये, और इसे हम रख देते हैं। देखते हैं सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है क्या, तो इसे हम बंद कर देते हैं, गैस ऑफ करते हैं,
हमारा क्या बोलते हैं वेज पुलाव रेडी है। अब चलते हैं सब्जी की तरफ। ये देखते हैं अभी सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है क्या। ये भी दिखने में लग तो लग रही है एकदम टेस्टी सी, पर ये अभी थोड़ी सी पकनी थी शायद, क्योंकि ये पकने का है ना अभी। हाँ ये पकने का है थोड़ा सब्जी, तो इसे वापस से ढक देते हैं ताकि ये थोड़े देर में पक जाए। तो मेरा खाना बन के रेडी हो चुका था, रोटी भी मेरी बन चुकी थी, तो इसे मैं लगा रही थी डब्बे में, और फिर लास्ट में मैंने कढ़ी को छोंक दिया था क्योंकि गर्मा गर्म कढ़ी अच्छी लगती है। तो मेरा खाना मतलब ऐसा था ना कि मतलब मैंने सोची नहीं थी तो जल्दी बन जाएगा, बट वो फटाफट से बन गया था और रेडी हो गया था मेरा खाना। और प्लीज़ ये जो एक्स्ट्रा की जो आवाज़ें आ रही है इसे अवॉइड करना, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे मतलब आज मेरा वीक ऑफ है, तो आज मैं इसे वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो आई होप कि आप लोग को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो देखिए मैंने क्या बनाया था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मुझे बहुत सारा प्यार करना और मेरी वीडियोस को सपोर्ट करना। बाय बाय।